press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एकेडमी में। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई हुई है बोरिंग ट्यूबवेल ऑपरेटर की, उसके लिए तैयारी हम आपको कराने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, सीधे सीधे आपके क्वेश्चनों पर आता हूँ। लेकिन प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो मेरी ज़रूर रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। मुझे आज पता लग जाएगा कि आप क्या रेस्पॉन्स हमारे वीडियो पर देते हैं, कमेंट करके मुझे बताएं और आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन होगा, छेनी पदार्थ का भेदन तब करता है जब, जो हमारी छेनी होती है चीजल, ठीक है, छेनी बोलते हैं चीजल को। तो चीजल जो है पदार्थ का भेदन कब करता है, जब आपका उसमें ऑप्शन नंबर सी झुकाव कोण अधिक होगा, ठीक है। अगर झुकाव कोण ज़्यादा ही अधिक होगा तो वो जो है फिसल जाएगी। एक एंगल का एक डिग्री होती है, अगर उस डिग्री से अधिक होगा तो वो फिसल जाएगी, और कम हुआ तो अंदर घुसेगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि झुकाव कोण अधिक, अगर अधिक ही होगा तो घुसेगी, अगर बिल्कुल ही नहीं होगा तो नहीं घुसेगी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, पतले नलिका को काटने के लिए हैक्सा ब्लेड का सबसे उपयुक्त पिच कौन सा होता है। जो पतले पतले नलिकाएँ होती है, जैसे कि ट्यूब वगैरह पतली नलिकाएँ होती हैं, उन्हें काटने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, 0.8 mm का। जितना पतला होगा उतनी छोटी पिच, और जितना मोटा होगा उतनी मोटी पिच, ठीक है, 0.8 लेकर 1.8 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक नया हैक्सा ब्लेड कुछ प्रयोग के पश्चात ढीला हो जाता है, क्योंकि क्यों हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ब्लेड खिंच जाता है। जब आप किसी चीज़ को काटते हैं तो उसमें हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से उसमें कणों में गति होती है और वो खिंच जाता है, ठीक है। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरफ हैं, आप कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, एक ड्रिफ्ट का प्रयोग निम्न के लिए करते हैं, एक ड्रिफ्ट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, जब मशीन स्पिंडल से हमें ड्रिल को निकालना हो तब हम ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, और उसका जो कोण होता है वो 15 डिग्री का होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, टैपिंग के लिए ड्रिल का आकार निम्न होना चाहिए, टैपिंग के लिए ड्रिल का आकार निम्न होना चाहिए, टैप से कम या ज़्यादा, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके करने के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, ड्रिल का बिंदु कोण किस चीज़ पर निर्भर करता है, ड्रिल का बिंदु कोण किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो मशीन के प्रकार पर निर्भर करता है, ड्रिल का बिंदु कोण किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो सॉरी, मैं गलती हो गया, वह कार्य के पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, एक मानक ड्रिल का बिंदु कोण कितना होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 118 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक पेंच सिर सॉकेट को सम्मानित करने के लिए छिद्र को अंत को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त विधि को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं काउंटर बोरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आमतौर पर HSS में मिश्रण यौगिक का उपयोग होता है, तो उसका एक अनुपात होता है, एक अनुपात सीरीज होती है, और वो क्या होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, 18% वेनेडियम, 4% कार्बन, 1% कोबाल्ट, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों, अब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो देखकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन याद थे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, खराद में उच्च कार्बन स्टील टूल व्यवहार का प्रयोग होता है, ठीक है, तो कौन से का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी, HS के बराबर काटने की गति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, ऑब्लिक कटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्लिक कटिंग में जो उपयोग होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, सामने खराद के लिए, ठीक है, ऑब्लिक कटिंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मृदु इस्पात खराद के लिए सबसे अच्छा किस प्रकार का बाबड़ी होना चाहिए, ठीक है, तो लंबा और घुंघराला, मृदु इस्पात के लिए लंबा और घुंघराला, जो चिप्स कटते हैं उसके लिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है वो पैमाइश जांचने के लिए होता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का, ठीक है, और वैसे भी वो ट्रू करने के लिए, चौक को ट्रू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके जो अंदर दो गाइड पीने लगी होती है, रोकर आर्म भी उसमें एक होता है, लेकिन जो गाइड पीने होती है वो सीधी रेखा खींचने के लिए प्रयोग की जाती है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, एक रुखड़ा खराद यानी कि रफ खराद टूल का प्रयोग तब होता है जब हमें अच्छी सतह प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। एक मिनट दोस्तों, मैं दोबारा से पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ए रफ टर्निंग टूल इज़ यूज्ड, एक रफ टूल को हम कब प्रयोग करते हैं, एक रफ टूल का प्रयोग हम कब करते हैं, जब ज़्यादा माल हटाना हो। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, साधारणतः ढलवा लोहा खराद में उपयोग किया जाता है, साधारणतः ढलवा जो लोहा होता है वो खराद में उपयोग
किया जाता है तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा कोई कटिंग बाउस में प्रयोग नहीं होता है। जो ढलवा लोहा होता है उसमें हमें किसी भी सोल्यूबल ऑयल की वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हो जाएगा मीट्रिक माइक्रोमीटर का एक थम्मी स्केल का पैमाइश कितना होता है, थम्मी स्केल और लिस्ट काउंट कैसे निकाली जाती है वो स्पेशली वीडियो बना के मैं आपको समझाऊंगा। मीट्रिक माइक्रोमीटर का एक थम्मी स्केल होता है उसकी पैमाइश कितनी होती है, तो उसकी पैमाइश होती है 0.02। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 6 पैर वाला सॉकेट जो एक होता है वो किस व्यवहार के लिए मुख्यतः लाभ में लिया जाता है। जो 6 पैर वाला होता है वो किसके लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी अत्यंत दृढ़ पकड़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा वर्नियर कैलिपर का प्रयोग सूक्ष्मता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी 0.02 mm की, उसकी लिस्ट काउंट नापने के लिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा एक चक जबड़े का मुख्यतः सीढ़ीनुमा होता है, इस सीढ़ी का क्या उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका वजन कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा BIS में विशिष्टता को परिभाषित करते हैं, तो BSI में विशिष्टता को परिभाषित करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे, अगली बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और उनका PDF भी मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।